नमस्ते मित्रों सहज गैस्ट्रोकेयर और सर्जन फर्टिलिटी सेंटर भावनगर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहती हूँ जिनके लिए ही शायद ये पंक्तियाँ लिखी गई है खुदी को कर बुलंद इतना खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है इस शख्सियत ने ना कि कम उम्र में आसमानों को छू लिया है पर हम सब के दिलों को भी छू लिया है हम मिलवाना चाहेंगे आपको यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर श्री सफीन हसन साहब से सर बहुत बहुत स्वागत है और हम सब खुशकस्मत है कि आप भावनगर में कार्यरत हैं एज असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और आप हम इस हमारी खुशनसीबी समझते हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच माई प्लेजर सर आई लाइक टू टेक यू बैक डाउन टू द मेमोरी लेन हम बचपन से शुरू करेंगे जी क्योंकि बचपन वो मुकाम है जहां से कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई होती है right. तो आपका बचपन कैसे बीता uh, बचपन जैसे आपने बोला कि काफी खट्टी मीठी यादें जुड़ी होती है और बचपन ही होता है जहां से आपका जो बेस है या आपकी जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है वो शुरू होता है सो so, uh, एक काफ़ी एवरेज फैमिली में जहाँ पे मेरे मम्मी पापा 11, 12 तक पढ़े हुए हैं उस फैमिली में जहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्स इज वेरी यू नो स्कैर्स, बट उस वहीं से शुरुआत हुई गांव की प्राइमरी स्कूल में uh, मैं पढ़ता था सरकारी स्कूल में बट एक चीज़ uh, हमेशा रही है स्कूल में कि एक जो पुश मिलना चाहिए बच्चे को पढ़ने के लिए वो हमेशा मेरे टीचर्स और पेरेंट्स की ओर से मिलता रहा Uh, मेरी मम्मी और पापा दोनों एक ही चीज़ हमेशा बोलते थे कि हम नहीं पढ़े इसलिए आज हमें ये मज़दूरी करनी पड़ रही है तो अगर लाइफ में कुछ अच्छा बनना है या अच्छे से रहना है तो पढ़ाई इज़ द ओनली ऑप्शन तो ये बात पहले से ही दिमाग में फिट करवा दी गई थी, थी राइट सो so वहीं से शुरू हुआ था सफ़र uh, और टेंथ तक का मेरा स्कूलिंग गांव में ही हुआ उसके बाद इलेवन ट्वेल्थ मैंने पालनपुर से किया और वो भी बिकॉज उनको लगा कि बच्चा टैलेंटेड है तो इसको अपने स्कूल में बुलाते हैं yeah. तो उन्होंने भी काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प की और इसी तरह मेरा ट्वेल्थ तक का स्कूलिंग फिनिश uh, हुआ बाकी तो जैसे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होता है उसी तरह का माहौल था घर पे uh, पैसा खर्च करने से पहले कितना ज़रूरी है ये uh, देखना वॉज अ थिंग जो मैंने बचपन से सीखी थी राइट right? सो so, उसी हिसाब से एडजस्ट uh, मूड yeah. सब कानोदर पालनपुर का एक छोटा सा गांव उसमें किसी ने शायद यूपीएससी क्या होता है ये इम्तिहान क्या होते हैं वो भी शायद सुना भी नहीं होगा जी। पर आपके अंदर ये बीज कैसे बोया गया आपको कब लगा कि आपको आ, अधिकारी बनना चाहिए या ये एग्जाम्स देना चाहिए राइट जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब मैं स्कूल में था तो आ, मैंने कलेक्टर को देखा आते हुए उनकी एंट्री देखी उनका रुतबा देखा तो उस टाइम पे मैंने अपनी मौसी से पूछा था कि ये कौन है तो उन्होंने बोला बेटा डिस्ट्रिक्ट का राजा तो मतलब कौन बन सकता है तो शी सेट की कोई भी बन सकता है मतलब तो क्या करना होता है तो शी सेट की एक एग्ज़ाम देना होता है लाइक कौन दे सकता है शी सेट कोई भी दे सकता है मतलब फिर मैं दूंगा और बनूंगा राइट तो उस टाइम वो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि पाँचवीं में किसको पता होता है कि आई या यू क्या होता है फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता था आई जस्ट न्यू कि बेस्ट जॉब अवेलेबल इज़ कलेक्टर और जब कोई पूछता था मुझे कि क्या बनना है तो मैं बोल देता था कलेक्टर बट जैसे ग्रेजुअली मैं आगे बढ़ता गया और चीज़ों को समझता गया न्यूज़पेपर और वगैरह चीज़ों से आ, समझ में आया कि यूपीएससी क्या है आई एस आई क्या है सिविल सर्विसज़ एग्ज़ाम क्या है तो बाई द एंड ऑफ माई ट्वेल्थ आई वॉज वेरी मच क्लियर कि मुझे ये एग्ज़ाम देनी है और यहाँ तक पहुँचना है और फिर कॉलेज के टाइम से मैंने जब इंटरनेट भी काफ़ी अवेलेबल हुआ hey. उसके बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड उसके बाद आई एंटर इन दिस फील्ड राइट right. सो so, आपके मौसी ने शायद आपको जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी जी. कि हमें जो हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया जाता है की कि राजा का बेटा राजा बनेगा उससे बिल्कुल अलग कि राजा कोई भी बन सकता है exactly. जरूरत होती है एक अच्छी परवरिश की एक अच्छी yes. पढ़ाई की और अपने गोल से अपनी जो मेहनत है उसको शिद्दत से काम करने की तो आई थिंक ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे व्यूअर्स के लिए कि किसी भी चीज़ को आप अचीव कर सकते हो हालांकि आप उस चीज़ पे डटे रहें राइट राइट तो सर कोई भी जर्नी है उसमें समाज है हमारे आसपास के लोग हैं जब हम सफल होते हैं तो उसी चीज़ को देखते हैं जो नीचे की मेहनत होती है जो हम टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं वो बाहर प्रकट होता है और जो नीचे की मेहनत है उसके पीछे रुकावटें तो डेफिनेटली आती है तो आपने किस तरह इन रुकावटों का इन विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और किस किस रूप में आपको विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा सी वट आई स्ट्रॉगली बिलीव इज़ कि आगे बढ़ने के लिए में आ, आगे बढ़ने में मुसीबतें तो आती हैं और अगर मुसीबतें नहीं आ रही तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं पर स्टक हो गए राइट right. right? तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे या बड़े सपने देखेंगे uh, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको हेल्प करती है वो है आपका माइंड तो जैसे मेरे लिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड वॉज अ डिफरेंट थिंग एजुकेशन बैकग्राउंड वॉज अ डिफरेंट थिंग राइट कमिंग फ्राम अ रूरल एरिया कमिंग फ्राम गुजराती मीडियम दिज ऑलवर दर्डल्स विच आई फेस्ट बट एक ही चीज़ दिमाग में थी कि अगर नहीं है तो सीखो और आगे बढ़ो राइट काफ़ी लोगों ने यह बोला कि बींग अ मिडिल क्लास पर्सन यू शुड टेक अप द जॉब बिकॉज जैसे ही मेरा एन आई टी का ग्रेजुएशन खत्म हुआ आई वॉज गेटिंग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज राइट तो उन्होंने बोला कि uh, पढ़ाई करो और पापा का सपोर्ट बनो यूपीएससी में काफ़ी लोग दो साल तीन साल पांच साल तक स्टक हो जाते हैं यू वॉन्ट बी एबल टू टेक डू दैट। बट इन सब चीज़ों के बीच में uh, जो चीज़ सबसे मुझे काम आई वो थी खुद पे भरोसा क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ट्राई करूंगा तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर लूँगा राइट तो उस भरोसे के साथ मैं चलता रहा उस पॉजिटिव uh, माइंडसेट के साथ चलता रहा और फिर ऑलवेज आपके साथ एक कोर ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो right. आपको बोलता है कि नहीं वी हैव फेथ इन यू यू गो अहेड फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि नहीं nah, तुम जॉब ले ले दे सेड कि अगर तुम्हें दिल्ली जाके प्रिपरेशन करनी तो जाओ एन करो सो दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन एंड पुश आई गॉट एट द सेम टाइम कुछ डिवाइन हेल्प भी मिलती रही Definitely. जैसे uh, मेरे गांव में ही uh, हुसैन अंकल और जरीना आंटी थी राइट दे स्पॉन्सर्ड माई स्टडीज टू गो फॉर दिल्ली सो आई टू गेट इन अ पॉजिटिव वे कि

कि जब जब जग किसी पे हंसा <laughs> है तब तब उसने इतिहास, इतिहास रचा है।, है जी तो आपने भी 22 साल की कम उम्र में यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बन के एक इतिहास ही रचा है तो उस मोमेंट को आप रिलीव करेंगे फिर से हमारे लिए क्योंकि वो शायद एक बहुत ही बहुत ही मैजिकल मोमेंट रहा होगा कि आपका क्या अनुभव था right. आपको कैसी फीलिंग आ रही थी उस वक्त जब यू नो वेन यू शार्ट एवरी वन आप दोड के आप जॉब ले लो मम्मी पापा को हेल्प करो यू आपके बस का नहीं है So how did you feel? Uh, of course it was a, uh, as you said, magical moment. क्योंकि your life changes to 180 degree once the results are announced, right? So उस time पे I was with my friends and मैं अपनी नानी के घर पे बैठा था. जब result आया, तो I was expecting कि नाम होगा. तो मैंने scrolling up start किया. दिखा नहीं तो frustrated होके मैंने search किया. Search किया तो मिल गया मुझे अपना नाम. It was rank 570. सो आई न्यू आई पी मिलेगा बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आई के लिए जाना है राइट तो आई वॉज बीट एट द मोमेंट देन आई कॉल्ड अ सीनियर एंड सर को बोला कि सर uh, ऐसा हुआ है लेकिन uh, मजा नहीं आया तो इज लाइक तो फिर तुम पागल हो क्योंकि लोग सालों के लिए अपना नाम लिस्ट में देखने के लिए मरते हैं यू हैड इन द फर्स्ट अटेम्प्टिस्पाइट दोंग सो यू शुड बी ग्रेटफुल टू इट राइट एंड आई रियलाइज ओके उसके बाद लॉट ऑफ गुड विशेज लॉट ऑफ पीपल मीटिंग आई पी एस का क्या परस्पेक्टिव होता है लोगों के दिमाग में एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड आई स्टार्ट लीडिंग टूवर्ड्स आई पी एस मोर राइट एंड फाइन मोमेंट आई डिस सर so, आपकी जो आपने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बताई जो समाज ने आपकी हेल्प की लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया right. पर आपको हम मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते इस बात का जिक्र करने में कि आपको काफ़ी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हुई जी. इस दौरान और मेन्स के पेपर के आधे घंटे पहले एक्सीडेंट होना बहुत ज़्यादा चोट लगना उसको इग्नोर करके मेंस के पेपर देना और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू के बीच का जो समय है उसमें भी ज़्यादातर समय हॉस्पिटलाइज रहना सो हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड बिकॉज पढ़ाई तो हो जाती आपने मेहनत डेढ़ दो साल लगाई थी यू क्लियर यू पी एस सी एंड जी पी एस सी आर द फर्स्ट अटेम्प्टिच इज अनादर रिकॉर्ड इन इट सेंस बट हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड लो पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ सी लाइफ में एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो वही चीज़ आपको बड़ी होकर दिखती है सो इफ़ यू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम इट विल यू नो ग्रो इन योर माइंड सो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मैंने एक्सीडेंट के बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं मैंने सोचा कि मैं मेन्स कैसे ख़त्म करूँ बिकॉज एक तो आप पहले तो बहुत सिलेक्टिव लोग मेन्स तक पहुँचते हैं और अगर मैं पहुंचा हूँ तो आई डोंट दिस अपॉर्चुनिटी गो राइट सो ऑल आई वॉज फोकसिंग ऑन माई एग्ज़ाम एज आ सेड इन माई अर्लियर इंटरव्यूज ऑल्सो कि जब एग्जाम का नशा खत्म हुआ तब पेन शुरू हुआ <laughs> तब आई रियलाइज की ओके इट्स अ मेजर इश्यू राइट बिकॉज आई हैड मिनसकाई डैमेज एज वेल एज लिगामेंट इंजरी राइट सो उसमें फिर डेढ़ महीने का बेड रेस्ट था उसको भी मैंने यूटिलाइज किया कि मेरी जो सीरीज़ देखनी <laughs> बाकी थी एंड ऑल स्टफ़ कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे इंटरेस्ट था तो वो पढ़ना एंड उसमें आई स्पेंड माई टाइम उसके बाद आई हैड दिस यू टी आई एंड देन टॉन्सिलाइटिस रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस तो उसकी वजह से आई हैड टू बिन हॉस्पिटल सो uh, so, उस टाइम पे माय फैमिली वाज क्वाइट डिस्टर्ब आई नो योर मदर वाज स्पेशली डिसअपॉइंटेड या कि बार-बार इसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है बट बट आई थॉट कि लेट अस गिव दिस एग्जाम आल्सो अगर सो मेडिकल साइंस में सर हमारे यहां ये जो बोला जाता है साइंटिफिक रिसर्च बताता है कि व्हेन यू आर इन स्ट्रेस एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस वेदर इट इज एग्जामिनेशन एनी लाइफ स्ट्रेस There's a uh, release of something called adrenaline, right. and it, the response we call is it is either fight or flight. Right. So you chose that fight response. You did not <laughs> flee from the scene. <laughs> आपने जिस तरह बोला और I probably think it is adrenaline which kept you going. आपने सारे Maybe. papers लिखे उसके बाद ही आपको लगा कि आपको शायद pain हो रहा है कुछ तो गड़बड़ है. <laughs> जी जी जी. <laughs> so uh, that is another positive take home message for our viewers कि अगर आ

बट माई सैटरडे सन्डेज़ आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड विथ एक्सपीरियंट्स जो कोई सूरत से आता है कोई अहमदाबाद से आता है कोई भावनगर के रिमोट एरियाज से आता है जिनको यू या जी में कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो यू विल फाइंड पीपल यू नो इन माई ऑफिस यस सो आई ट्राई माई बेस्ट कि उनको जहाँ पर भी मैं गाइड कर सकूँ उतना मैं उनको गाइड करूँ एट द सेम टाइम कुछ एक्सपीरियंट्स ऐसे हैं जो बहुत पहले से मेरे कॉन्टेक्ट में है जिन yeah. मुझे जो लगता है कि ये पोटेंशियल बच्चे तो उनको अगर कोई क्वेरी है या डाउट है तो आई ट्राई टू टाइम टू देम अबाउट पीपल हु हैव इन्वेस्टेड मी और इमोशनली और फाइनेंशियली आई एम इन गुड टच विद देम बट आई डोंट थिंक की दे आर एक्सपेक्टिंग एनी काल एज रिस्पॉन्सिबल की There are so many people who look up to me yes. uh, as a role model or as an idol, uh, and uh, I feel very responsible at the young age <laughs> that I have to behave in that way exactly. you know, where I, I should not disappoint them. But it comes naturally, and uh, it's a very grateful experience uh, right. living this life. But बट यू बीन अ मोटिवेशनल स्पीकर फॉर क्वाइट सम टाइम मोटिवेटेड दर नेक्स्ट my daughter included so सो uh, you talk a lot about Krishna. देखिये आपके मजहब के हिसाब से हम मानते हैं कि आपको कुरान का ज्ञान होगा पर जब आप गीता के बारे में कृष्णा के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है आपने सारा भगवद गीता घोल के पी लिया उसको आत्मसात कर लिया तो वॉट इज दिस कृष्णा कनेक्शन इट्स ऑलवेज mystery. <laughs> तो वट आई वट आई बिलीव आई फॉर्मली बिलीव इज कि सारे धर्म मेरे हैं और मैं सब धर्मों का हूँ राइट सो दैट्स वाई आई आई एन्जॉय लर्निंग समथिंग न्यू अबाउट ईच रिलीजन बिकॉज आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी आई एम नॉट वेरी रिलीजियस पर्सन आई एम अ स्परिचुअल पर्सन राइट एंड फ्रॉम कृष्ण द कनेक्शन बिकम स्ट्रोंगर बिकॉज ही इज द ओनली गॉड हू टीचीज यू हाउ टू लीव ओके ऑल अधर थिंग्स टॉक अबाउट द लाइफ आफ्टर डैथ मरने के बाद ये होगा मरने के बाद वो होगा बट दिस इज द ओनली गॉड ही टीचिज यू कि जीना कैसे राइट हु टीचिज यू द एक्सेप्टेंस कि लाइफ में जो भी होता है उसको आप एज इट इज एक्सेप्ट करें ही uh, जब आप ड्यूआलिटी की बात करते हैं mm -hmm. तो कृष्णा टेल्स यू टू एक्सेप्ट द ड्यूआलिटी एज इट इज कि आप बिना रात के दिन को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे right. आप बिना दुख के सुख को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे राइट आप बिना फेलियर के सक्सेस को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे बिल्कुल राइट तो यू हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज और ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है सो इट्स अबाउट बैलेंस यस हाउ टू बैलेंस योरसेल्फ यस बैलेंस इट इज आल्सो लिविंग इन द मोमेंट राइट टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ यस यस एंड दैट्स व्हाई आई एडोर हिम द मोस्ट राइट परफेक्ट अह सर कमिंग टू द ग्राम you have 755k followers on the instagram as per today morning <laughs> latest records. so you are a huge social media influencer. thank you. how do you take this role? because most of us are on gram for some relaxation, for connecting with people. Right. and you know, for just peeping into somebody else's life. <laughs> so how do you take this as a social responsibility? Uh, first of all, i was not much uh,

Uh, which I want them to, you know, uh, make them understand about myself. Right. So, and right. take some positive messages, <coughs> yes, take yes, some yes. positive vibes out And of if it. you see all my stories and uh, uh, feeds, you will have something relatable captions and yes. something relatable message. So, I don't post until I feel like that I want to it convey something. It, it yeah. is worth it. That I want to convey something through this. It, maybe it's a live session or question answer session it has a purpose it has a uh, you know reason for that for and that's how i uh, you know joined instagram at the same time it helps me to connect with the people of different fields right. so being an ips officer being a bureaucrat i don't want to limit my circle to the bureaucracy itself right right uh, i have people connected with me from film industry i have people committed uh, connected to me from uh, athletics i have people from uh, you know journalism

and for, from the youth of today, there was a special question that how do you handle the stress and pressures of the current uh, situation? because a lot of them fail. we are seeing a lot of suicides in the youth. Right. they go for drugs, they go for smoking, alcohol. there's a lot of peer pressure around. Right. so how to handle that positively? see, ironically, we live in the era where we have too many motivational speakers at the same time too many people facing depressions Perfect. and stress right so where is it coming from okay that we have to find it out because we might have limited ourselves to the digital screen we we are uh, you know interacting Addicted with to yeah our day and night uh, all the time we are with our mobiles and somewhere there we have disconnected from the society or from the family and that's why that's where we cannot share what we are feeling right so we have this fear of being judged

i miss those days when uh, i used to have chit chats with my friends or family sitting because of this job i'm not being able to manage those times and somewhere uh, i feel that you know i should also work on balancing those things okay. so the uh, answer to the generation uh, who is facing this dilemma would be that you have to manage your time you have to make sure that how much time you want to give to your screen and how much time you want to give to your family at the same time how much time you want to give to yourself

At the same time, I prefer going out on a long drives yes. or rides uh, in a natural and calm area, so that you know I can feel that fresh breeze. Uh, or I play badminton. Yes. Yeah. yeah. So it is always good to take some time out of your crazy schedule, That's also it. because yeah. that is, I think, re-energizing, revitalizing, and it is a must. Otherwise, you burn out. Yeah. yeah. So that is also something the youth need to learn because. True. They are so focused sometimes that they fail to enjoy these small, small moments in their right, lives. Right, so right. that is also equally important, I true, guess. True. Uh, coming to the venue, I think we have chosen the An, Ban, and Shan, Shan of Bhavnagar, of the Neelambak <laughs> Palace in our background. And Bhavnagar has a very rich <laughs> cultural heritage. You would be aware Definitely. about. So So, uh, how do you love Bhavnagar? सी लाइक ऑन दिस फोर्टींथ आई विल भी फिनिशिंग माई टू इयर्स इन भावनगर राइट एंड इट हैज़ बिकम सेकेंड होम फॉर मी बिकॉज आई स्टे विद माई फैमिली सो इतना ज़्यादा याद नहीं आती यहाँ से बाहर जाने की एट द सेम टाइम आईव ऑलवेज रेड अबाउट द सिटी इन मेघानी और समवेयर अदर्स बुक राइट द रिच कल्चर ट्रेडिशन द सिटी इन हेरिट्स एट द सेम टाइम पीपल हियर आर वेरी वॉम वेरी लवली एंड द कांड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट आई हैव रिसिव इन भावनगर would be the most memorable part of my career right yeah. uh, so uh, it has the traditional touch it has the modern touch it has the rural touch it has the urban touch and the <laughs> people are uh, really you know yeah. good so that's how i love the city and yeah. i so big miss thank it. you from all bhavnagaris also because we have also been privileged to have you here <laughs> thank you and so much. it's an honor for bhavnagar to have the youngest ips officer serve this town thank you thank you so much uh, we have dealt a lot about your professional life, coming right. to your personal life, and uh, according to whatever feeds I have got from your Instagram, you are not shy about it as well. <laughs> so, what is the most eligible bachelor's plan next? <laughs> uh, I am committed uh, these days. I was a uh, bachelor a few uh, months back, but now I have got my partner. Her name is Aman, and we have been seeing each other for uh, a year, I guess. and uh, that's where we are looking forward to go ahead and probably next year would be the date uh, but yeah uh, she is the one whom I was looking for for you know these years and uh, again I tell you uh, ki everything happens on a good time yeah. right so the time I was focused on my career I got something in my career जिस टाइम से जिस चीज को या जिस इंसान को आना है आपकी लाइफ में दे लग पियर समाउंड यू ऑनली नीड टू कीप योर आईज ओपन That okay, this and person or this opportunity yes. has arrived, and now you need to uh, work Triangle, with that yeah. work, and focus Work on, on that. that relationship yes, or yes, work on yes. whatever.

सो सर अमन जी के लिए दो लाइनें गुनगुनाएंगे आई नो यू सिंग वेरी वेल गजल की दो पंक्तियां या जो भी आपको पसंद है मैं गा तो नहीं सकता विदाउट uh, तो शेयर सुनाइए यू बट आई आई विल गिव इट इन लाइंस राइट एक दिन आप यू हमको मिल जाएंगे हमने सोचा ना था हमने सोचा ना था दिस इज द लाइंस आई वुड लाइक टू डेडिकेट वंडरफुल वंडरफुल आंसर एनी पार्टिंग एडवाइस लास्ट फ्यू यू नो द जिस्ट ऑफ द होल टॉक आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे बिकॉज द पेशेंट वी डील विद स्पेशली आई डील विद वो इनफर्टिलिटी के होते हैं सो द जर्नी फॉर देम इज सम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे फेल मिस कैरेजिज देस फेलियर्स अलॉट एवरी टाइम वी पुट देम ऑन मेडिकेशन दे डोंट कंसीव ओवर नाइट सो द जर्नी समटाइम्स इज क्वाइट टफ एंड दे गेट डिसहार्टन द्विक Hmm. which i feel is not right right so how would you motivate people in general not only this population but in general how would you like to motivate people see if i start with this particular uh, uh, people jin ke sath aap deal karte hain to उनको क्विट करने के पीछे या उनको डिसअपॉइंट uh, होने के पीछे अगर सबसे बड़ा कोई रीज़न होगा दैट वुड बी एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल एंड देयर फैमिली राइट एंड बिलीव मी यू कैन नॉट फुलफिल ईच एंड एवरी एक्सपेक्टेशन ऑफ योर फैमिली एंड सोसाइटी अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट एक्सेप्ट वन फैक्ट कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है सो आप अगर पुरान या यू नो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो जो उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन दे कूडेंट बिकम पेरेंट्स और कहीं ना कहीं से भगवान ने अवतार लेके उनके घर पे जन्म लिया सो व्हाट डज इट मीन दैट भगवान की मर्ज़ी से ही जो होता है वो होता है तो आपको उस उसको पर्सनल लेने की या आपकी किसी डिसेबिलिटी के रूप में लेने की ज़रूरत नहीं है आपकी बॉडी है और उसको ईश्वर ने जैसे बनाया जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज़ काफ़ी ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिनके बच्चे होने के बावजूद काफ़ी बार वो लोग बोल रहे थे कि इससे तो अच्छा था कि हमारे बच्चे ना होते हम बेऔलाद होते हम बेऔलाद होते राइट right? क्योंकि वो उनकी वजह से वो ऐसे दिन उनको देखने पड़ते हैं तो जस्ट बिलीव इन द डेस्टिनी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है हम जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए होता है और सोसाइटी और लोगों के मुंह पे तो आप ताले नहीं लगा सकते लेकिन अपने कानों पे ताले डेफिनेटली लगा सकते हैं कितना एक्सेप्ट करना है कितना इग्नोर करना है राइट right? जो लोग आपको एडवाइस देने आते हैं आप जरा उनके पीछे भी देखिए काफ़ी बड़ी यू नो हालात की गड़बड़ी आपको दिखेगी तो नो बडी इज़ परफेक्ट नो बडी इज़ यू नो दैट सौ टका हंड्रेड परसेंट वाला सीन तो आपके पास जितना है उसमें खुश कैसे हो सकते हैं उसको आप सोचेंगे तो देट विल्प वी कैन ट्राई टू बीम परफेक्टली परफेक्ट येस डेफिनेटली जो है उसमें अगर आप सेटिस्फाई होना सीख जाए तो आई डोट थिंक कोई इशू होगा

For viewers, we are get tuned in for our next episode which will be coming out soon. Thank you once again for keeping us on our toes and we'll keep posting. Thank you.